हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सेंटेंस क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को अगर मीनिंग है, सेंस है और एक प्रॉपर टेंस में अगर हमने उसे बिठाया है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का हमने पहला क्लासिफिकेशन देख लिया, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज हम सेकेंड का दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें हम सेंटेंस को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या है। सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। जैसे कि नाम है, सेंटेंस एकदम सिंपल होता है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसे कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस। जैसे कि हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, एक ही सब्जेक्ट है हमारे पास, हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, एक ही प्रेडिकेट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। या फिर नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, नागपुर एक ही सब्जेक्ट है, इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, एक ही प्रेडिकेट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो एक सादा सुधा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही प्रेडिकेट होना चाहिए। अभी हम कंपाउंड सेंटेंस पे आते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हम केमिस्ट्री में या फिर साइंस में कंपाउंड कैसे तैयार करते हैं। कंपाउंड इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग टू और मोर थिंग्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। प्रॉपर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए वो दोनों तीनों चीजें। तो कंपाउंड सेंटेंस का भी वैसा ही है दोस्तों। दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस हमारे पास अगर है, टू और मोर देन टू मेन क्लॉजेस अगर हमारे पास है और उन मेन क्लॉजेस को हमने ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस और उन कंजंक्शंस को कहा जाता है कोऑर्डिनेटर्स, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। हमारे पास दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस है। अब मेन क्लॉज मतलब क्या? मेन क्लॉज मतलब ऐसी एक क्लॉज जो खुद में खुद सेल्फ सफिशिएंट है, खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखा, ही इज पुअर, मैं बोल सकती हूँ ही इज पुअर, ये कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ऐसी जो पूरी की पूरी मीनिंगफुल सेंटेंस होती है उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। अब इसमें और एक सेंटेंस है, हिज ब्रदर इज वेरी रिच। अगर मैंने इतना ही सेंटेंस आप लोगों को बोला हिज ब्रदर इज वेरी रिच, फिर भी आपको पूरी तरह से मीनिंग समझ में आ जाएगा कि जो भी लड़का है, जो भी आदमी है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो उसका भाई काफी अमीर है या फिर वो काफी गरीब है। तो ये दोनों सेंटेंस खुद में अकेले कंप्लीटली मीनिंगफुल है, कंप्लीटली इनका मीनिंग है। ये सेंटेंसेस किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है उनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं मेन क्लॉजेस। तो अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस है जिनको मैं ज्वाइन कर रही हूं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस, तो उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शंस यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर्स, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक मेक को ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं? बहुत सारे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एंड बट येट और इधर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे हो गए कोऑर्डिनेटर्स जो कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं इन कंपाउंड सेंटेंसेस। दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस को एक मेक के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि इस एग्जाम्पल में दो मेन क्लॉजेस है, ही इज पुअर, हिज ब्रदर इज वेरी रिच, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया बट से, ही इज पुअर बट हिज ब्रदर इज वेरी रिच। अब ये तैयार हो गया है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें दो मेन क्लॉजेस है जो एक कोऑर्डिनेटर से ज्वाइन की गई है, इसलिए इसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज एक ही होगी और दो या दो से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे। एक मेन क्लॉज और बाकी की सारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस मतलब क्या? जैसे कि मेन क्लॉज खुद में कंप्लीटली मीनिंगफुल होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ऐसे क्लॉजेस है जो खुद में पूरी तरह मीनिंगफुल नहीं होते, उन्हें किसी और सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ता है खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी जो क्लॉजेस होती है जो खुद में पूरी तरह से मीनिंगफुल नहीं होती उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही मेन क्लॉज होगी और बाकी की सारी होगी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, जिन्हें ज्वाइन करेंगे फिर से कंजंक्शंस ही, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो कंजंक्शंस होता है ज्वाइन करने वाले, उन्हें कहा जाता है सबऑर्डिनेटर्स, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रही है। कंपाउंड सेंटेंस में हमने कहा कोऑर्डिनेटर्स, क्योंकि दो मेन क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट कर रही है। वेयर एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
जो भी कंजंक्शंस ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाएंगे वो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं मेन क्लॉजेस के साथ, इसलिए उन्हें हम कह देते हैं सबॉर्डिनेटर्स। जैसे कि सारे के सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स, वॉच, वॉट, वॉट, वेन, हूज, हु, वेयर, हाउ, ये सारे के सारे जो डब्ल्यू एच वर्ड्स है वो सारे दो, ऑल दो, सो दैट, ऐसे सारे जो वर्ड्स है वो हो जाते हैं सबॉर्डिनेटर्स। अब एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिया है, रामा किल्ड रावणा। अब यहाँ पे ये जो रामा किल्ड रावणा है ये मेन क्लॉज है, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ रामा किल्ड रावणा, इसका मीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट है कि राम ने रावण को मार दिया, रामा किल्ड रावणा। अब इसका जो दूसरा क्लॉज है ही वॉज विकेड, अगर मैंने बोला कि ही वॉज विकेड तो फिर मन में चार सवाल खड़े होंगे, ही वॉज विकेड कौन विकेड था भाई, क्यों था, फिर विकेड हुआ तो क्या हुआ, विकेड मतलब बुरा, विकेड हुआ तो क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पे ही वॉज विकेड बन जाती है सबॉर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि उस सेंटेंस का खुद में कंप्लीटली मीनिंग कंप्लीट नहीं है, उसे किसी और सेंटेंस पे डिपेंड रहना पड़ेगा खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अभी अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ सबॉर्डिनेटर, रामा किल्ड रावणा बिकॉज ही वॉज विकेड, राम ने रावण को मारा क्योंकि वो बुरा था, तो अब ये हो जाता है पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि मैंने एक मेन क्लॉज एक सबॉर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ अ सबॉर्डिनेटर। तो सिंपल सेंटेंस, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मेन क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज का कोई तामझाम नहीं है, सिर्फ एक ही मेन क्लॉज होती है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही प्रेडिकेट, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस अगर कोऑर्डिनेटर्स से ज्वाइन होते हैं देन इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और बाकी सारी सबॉर्डिनेट क्लॉजेस अगर सबॉर्डिनेटर से ज्वाइन कर दे तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था सेंटेंस का सेकंड क्लासिफिकेशन, सेंटेंस का थर्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे हम अगले वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।